भानगढ़ का किला। भानगढ़ किला एक 17वीं सदी का किला है जो भारत के सबसे प्रेतवादित क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है, जो राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व के पूर्वी तल पर स्थित है। यहां तक कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ISI ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रात में किले में प्रवेश करने से मना किया। भानगढ़ का पूरी तरह से बर्बाद प्रेतवादित किला एक बहुत ही अजीब नकारात्मक आभा है। भानगढ़ फोर्ट की कहानी। किले का इतिहास दशकों पीछे चला जाता है। भानगढ़ किला 17 सदी में राजस्थान में निर्मित एक प्राचीन उदाहरण है। मानसिंह प्रथम अकबर के नवरत्नों में से एक, उनके पुत्र माधो सिंह प्रथम के लिए माना जाता है कि इसका निर्माण किया गया था। दो आयामों पर भानगढ़ किले के दो किस्से किंवदंतियों के रूप में अभी भी ने भानगढ़ किले के चारों ओर के भयानक माहौल में बदलाव लाने की कोशिश की है। पहली किंवदंती में कहा गया है कि वहां रहने वाले बालानाथ की उचित अनुमति मिलने के बाद माधो सिंह नामक एक राजा ने भानगढ़ किले को लाया। उन्होंने एक प्रावधान को स्वीकार करते हुए कहा कि किले की छाया कभी भी तपस्वी के घर पर नहीं पड़नी चाहिए। हालांकि, जैसा कि भाग्य होगा, माधो सिंह के महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारियों में से एक ने किलेबंदी के लिए लंबवत रूप से जोड़ा, जिससे उसकी अशुभ छाया तपस्वी के निवास को ढक गई। लो और देखो, एक बार पास होने के बाद किला कुछ ही समय में नष्ट हो गया। माना भविष्यवाणी पूरी हो गई और भानगढ़ के किले का शिकार किया गया। दूसरी किंवदंती भानगढ़ किले के पीछे पहले की तुलना में अधिक लोकप्रिय है। यह दावा करता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती किले को हिट करने वाली सर्वनाश की स्थिति के लिए जिम्मेदार थी। एक स्थानीय अश्वेत जादूगर को उससे प्यार हो गया। राजकुमारी को बहुत प्यारा माना जाता है और एक बार एक कॉस्मेटिक पर मुग्ध होकर उसके प्यार में पड़ने की कोशिश की। राजकुमारी ने संदेह की गंध ली और काले जादूगर की पूरी साजिश को विफल कर दिया। पत्थर के एक अतिवृष्टि बोल्डर पर डाल दिया, जिसने कथित रूप से तांत्रिक को मार डाला। उन्होंने पूरे परिदृश्य में एक अभिशाप स्थापित कर दिया कि जादूगर की अंतिम सांस लेने से पहले कोई भी आत्मा शांति से वहां नहीं रह सकती थी। तब से पूरा भानगढ़ किला परिदृश्य मोहित हो गया है। रात में भानगढ़ का किला। सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले किले में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। उदासीनता का एक पुल और एक ताजगी भरा खोखलापन पूरे परिदृश्य को ग्रहण करता है जब अगली सुबह तक सूर्य की रोशनी किरणों में होती है। भारत पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बनाया गया बोर्ड आगंतुकों को किले की इमारत में अंधेरे घंटों में जाने के प्रति आगाह करता है। उन लोगों का तर्क जिन्होंने कहा था कि उन्होंने भाग्य की कोशिश की या तो चूक गए या किसी भी चीज को स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हैं। किले के स्पष्ट रूप से मध्ययुगीन शहर शाहजहानाबाद में लकड़ी के चार विशाल दरवाजे थे। किले के पूर्ववर्ती लोगों ने एक लघु जल प्रपात और मंदिरों को सजाया है, जो उस दिन के सबसे अच्छे हिस्से को शांत करते हैं। राजस्थान में अलवर भानगढ़ का निकटतम शहर है। अलवर से भानगढ़ की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है, जिसके लिए अलवर टैक्सी और बसें प्रदान करता है। समय सुबह 6 बजे शाम 6 बजे। SI के आदेशों के अनुसार ऐसे समय में प्रवेश करना प्रतिबंधित है। यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय भानगढ़ के किले का दौरा करने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के दौरान होता है, जब अक्टूबर से फरवरी तक मौसम सुहावना होता है। Yeah.